यही भीड़गंज नागा लगातार 6 महीने तक बंद था और उस दरमियान इस भीड़गंज के सड़क पर वैसे ही दैनिक रूप से स्वाभिमान रैली निकलता था। दैनिक रूप से परसा के गांव गांव से, बारा जिला के गांव गांव से मधेश की जनता सड़क पर आ रही थी। दैनिक रूप से स्वाभिमान रैली निकलता था। मधेश की स्वाभिमान की बात करता है, अरे मधेश का स्वाभिमान खत्म कैसे होगा साहब? स्वाभिमान की लड़ाई को जारी है, फिर मधेशवादी पार्टी कैसे खत्म हो जाएगी? अरे एक दो भगौड़े के भाग जाने से मधेशवाद, मधेश का स्वाभिमान का लड़ाई खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं हुआ है। अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आज आपने यहां भीड़गंज यहां पर साथियों ने, परसा के जनता ने बात प्रमाणित किया है, मधेश जिंदा है, मधेश भाग जिंदा है, मधेश की स्वाभिमान की लड़ाई जिंदा है। और ये बात आश्रय पर आपने मधेश स्वाभिमान यात्रा के तहत आपने प्रमाणित किया है। पहले भी घूमा था और अभी भी घूमेगा और कल भी घूमेगा, उसकी चिंता प्रमाणित की। मधेश की जनता अपने हक अधिकार के लिए 6 वर्ष पहले भी लड़ा था, सैकड़ों शहादत दिया था, अपने 6 महीने तक यहां बंद हड़ताल चक्का जाम लगाकर उम्मीद किया था। आप याद कीजिए, मैं तो 6 महीना तक आपके साथ था यहां, मैं नाके में 6 महीना तक यहां भीड़ लाकर मेरे जिम्मे में था, उस आंदोलन में मैं 6 महीना तक यहां दैनिक रूप से देखता था आपको। यहां भीड़गंज में यहां जिंदा गांव गांव से आए हुए मधेशी जनता को मैं देखता था। उसके मधेश बाद 6 महीना पहले आज जो मैं देखा भीड़गंज में, मुझको याद है भीड़गंज परसा जिला का बहुत बड़ा कुर्बानी हुआ था उस आंदोलन। हम जब लोग कभी भी याद करते इस बात को कि भाई की देश को बना ही नहीं, नेपाल को बना ही नहीं, नेपाल देश को बना ही नहीं। अभी नेपाल देश बनने के लिए, दुनिया में कोई भी देश बनने के लिए जमीन से सिर्फ देश नहीं बनता, धरती से देश नहीं बनता। हम जानते हैं कि 270 वर्ष पहले नेपाल बना, 270 वर्ष पहले राजा पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को बनाया। अरे साहब, पृथ्वीनारायण शाह ने जमीन को यह किया, यहां हिमालय पहाड़ पहाड़ प्रदेश में रहने वो जमीन था, जो छोटे छोटे राज्य था, 22-24 राज्य था, मधेश में भी राज्य था, सारे राज्य को पृथ्वीनारायण शाह ने एक कर दिया, नेपाल बनाया, जमीन को जोड़ दिया, एक जगह दिया। तो जमीन को जोड़ देने से देश तो बनता नहीं ना, इसीलिए नेपाल आज तक नहीं बना, क्योंकि सिर्फ जमीन को जोड़ा गया, जनता को नहीं जोड़ा गया। जब कांग्रेसी को घुसाता है, कांग्रेस को घुसाता है और मधेश को तोड़ता है, मधेश को फोड़ता है, मधेश को कमजोर करता है। मैं याद दिलाऊं, जब दूसरा प्रदेश आंदोलन हुआ और उसमें 8 महीने से मोदा में तो स्वाद मधेश प्रदेश की बात लिखी गई। अब स्वाद मधेश प्रदेश होगा, मेटी से मालकाली तक प्रदेश शायद प्रदेश होगा, मधेश फॉरवर्ड प्रदेश बनेगा, मेटी से मालकाली तक यह प्रदेश बनेगा। ये मधेश का भाग था, ये मधेश फॉरवर्ड का भाग था, लेकिन उसको तोड़ने का काम हुआ। अब याद कीजिए, दीवार खड़ा करने का काम हुआ, मधेश और थार को अलग करने का काम हुआ। और मद्रासों का यहां नाकाबंदी के दशम में कहा था भीड़ रंग राजधानी होना चाहिए, आज भी मैं कह रहा हूं कि भीड़ रंग राजधानी होगा। अरे जो मान है आपका, वो मान जब पूरा होगा तो भीड़ रंग राजधानी होगा, जनक राजधानी नहीं हो सकता। लेकिन आपका मान है मधेश एक प्रदेश, मधेश मेटी से महाकाली तक, जब झापा से कंजरपुर तक का मधेश बनेगा, मधेश सर्व प्रदेश बनेगा, उसकी राजधानी होगी, जनकपुर नहीं हो सकता। इस बात को जानी है, वो आपको एक निर्णायक आंदोलन करना ही देश सभी को मिलकर के आंदोलन करना, उस आंदोलन की तैयारी है और सबसे निचले स्तर की तैयारी, जहां से आंदोलन को मुद्दा मिलता है, जहां से आंदोलन को ताकत मिलता है, उस आंदोलन की तैयारी है। इससे इस चुनाव में पार्टी भाग लेना चाहती है, इस स्थानीय निकाय के निर्वाचन में पार्टी मेटी से महाकाली तक पूरे देश में भाग लेना चाहती है और आंदोलनकारी को पार्टी जिताना चाहती है, आंदोलनकारी को पार्टी खड़ा करना चाहती है। अरे विशुद्ध मधेशवादी फूल को पार्टी हमारी कहना चाहती है, मधेश के लिए को मांग करने वाला, मधेश के लिए
जान देने वाला ऐसा कैडर की तैयारी हमें करनी है, ऐसे कैडर